Hello friends, I'm back again here with my another guitar tutorial. Today I'll be teaching you the song Jeena Jeena from the movie Badlapur. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ उसमें कॉर्ड फॉर्म कैसे यूज हुए. द कॉर्ड्स यूज इन दिस सॉन्ग आर एफ मेजर, ए माइनर, बी फ्लैट मेजर एंड एट लास्ट सी मेजर. I repeat the chords: F major, A minor, B flat major, and C major. To play B flat major, we have to put a first finger on first string, first fret, and a second, third, and fourth finger on second, third, and fourth string of third fret. This is B flat major. Okay. And to play F major, we have to put our first finger on second fret first fret second string, our second finger on third fret second string, and our third and fourth finger on fourth and fifth fret of third string. So this is F major. Okay. And A minor, to play A minor we have to put our first finger on second fret first string, our second and third finger on third and fourth string of second fret. This is A minor. And to play C major, we have to place our first finger on second string of first fret, our second finger on fourth string of second fret, and our third finger on fifth string third fret. This is C major. Okay. The string pattern used in this song is down chakka, up chakka, down chakka, up chakka. ओके, दिस इज द स्ट्रमिंग पैटर्न. गाइज, आप इसमें कोई ऑल्टरनेट इस स्ट्रमिंग पैटर्न का कोई ऑल्टरनेट यूज मत करना, क्योंकि यही एक स्ट्रमिंग पैटर्न है जो इसमें अच्छा साउंड करता है. मैं जिन्हें चक नहीं आता है मैं बता देता हूँ चक करते कैसे. मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में भी बता रखा है कि चक करते कैसे. क्या होता है, जब हम चक करते होते हैं तो हमें सबसे पहले अपना पाल्म हिट करना होता है, स्ट्रिंग पे. एंड देन हमें वो पाल्म हिट करने के साथ ही डाउन स्ट्रोक देना होता है लाइक दिस. तो ये चक है. एक और मैं स्ट्रिंग पैटर्न बता देता हूं. डाउन चक्का, अप चक्का, डाउन चक्का, अप चक्का. ओके. और जो चक नहीं दे सकते हैं उनके लिए एक और स्ट्रिंग पैटर्न है. डाउन थम्पा, अप थम्पा, डाउन थम्पा, अप थम्पा. चक की जगह हम थंब दे सकते हैं. थंब क्या होता है, जब हम चक करते हैं तो हमें अपना पाल हिट करना होता है, उसके बाद डाउन स्ट्रोक देना पड़ता है चक करने के बाद, तो ये म्यूट हो जाता है गिटार. ठीक है. लेकिन जब हम थंब देते हैं तो क्या होता है, हम केवल ऐसे करके हमें नीचे डाउन स्ट्रोक नहीं देना होता, सिंपली हम थंब अपना जो थंब है वो हिट करते हैं स्ट्रिंग पर, फिफ्थ या सिक्स्थ स्ट्रिंग पर हम अपना थंब हिट कर देते हैं, तो ये हो जाता है थंब. ठीक है. तो स्ट्रिंग पैटर्न हो गया. अब इसमें एक इंट्रो पार्ट आता है. इंट्रो पार्ट का जो स्ट्रिंग पैटर्न है वो भी कुछ ऐसा ही है. मैं प्ले कर देता हूँ. डाउन अप थंप अप और डाउन अप चक्का, आप कोई भी यूज कर सकते हो. डाउन अप थंप अप और डाउन अप चक्का. ओके. तो ये था इंट्रो पार्ट. जो इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन है, जो इस इंट्रो में जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो है एफ मेजर, ए माइनर, बी फ्लैट मेजर एंड बैक टू सी मेजर. तो मैं इंट्रो प्ले कर देता हूँ कैसे. इसका इंट्रो था. अब जो मेन सॉन्ग की तरफ जब चलते हैं तो इसका भी कॉर्ड प्रोग्रेशन सेम है जैसा इंट्रो में था, दैट इज एफ मेजर, ए माइनर, बी फ्लैट मेजर एंड सी मेजर. तो यही हमारा सॉन्ग में कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज हुआ है. तो लेट्स जस्ट मूव टू द सॉन्ग. मैं इंट्रो के साथ इसे डायरेक्टली प्ले करता हूँ. ओके. तो फुल सॉन्ग मैं प्ले कर देता हूँ.
गाइस दिस वाज अ सॉन्ग, आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई है इसे समझने में, कॉर्ड्स वगैरह स्ट्रिंग पैटर्न, देन प्लीज डू कमेंट डाउन बिलो इन कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड डू लाइक दिस वीडियो ऑन वॉच ऑल माई अदर प्रीवियस वीडियोज। एंड इफ यू हैवन सब्सक्राइब माई चैनल येट, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।